लाहौर से फिजाई आलूदगी के बादल छटना सके। प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शहर में इस वक्त AQI की क्या सूरत हाल है, बताइएगा सादिया। जी हाँ, खासकर इन दिनों में लाहौर के वासियों को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना फजाई आलूदगी की वजह से करना पड़ा है। जहाँ पर बीमारियाँ हो रही हैं वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से हद निगाह है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और माहरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ती हुई शरह की वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि कुरार्स पर पाए जाने वाले तमाम जानदार भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से अवेजा किए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की जो रेटिंग आ रही है के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 है। जबकि अगर हम सरकारी अदादोशुमार की बात करें तो महकमा माहौलियात के मुताबिक जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 336 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, जेल रोड, माल रोड, रायमंड, ठोकर का इलाका, उसके साथ जोहर टाउन, टाउनशिप, शादरा और वाहगा के जो इलाके हैं ये सबसे ज्यादा आलूदा तरीन इलाके हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खतरनाक हद तक बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। इसी तरह से हम रिलेट अगर इसको करते हैं मौसम के लिहाज से तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते बारिशें बरसाने वाला सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिसंबर के इख्तितामी दिनों में खासकर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत। हमारे साथ ही आगाह कर रही थी।